डिस्क्लेमर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे सो कॉल्ड एनी ट्यूबर्स मुझे वैसे भी पसंद नहीं करते, और मतलब बोला जाए तो तुम्हारे भाई का रिकॉर्ड उतना ज्यादा अच्छा नहीं है उनके कम्युनिटी पे, लेकिन मैं फिर भी ये बोलना चाहता हूँ कि मैं इस वाले वीडियो को सार्केस्टिकली बना रहा हूँ, तो कृपया कोई दिल पे ना ले। और हाँ, मुझे पता है कि तुम कॉलेज में हो लेकिन तुम्हें अभी तक सार्केज्म का मतलब नहीं पता, लेकिन फिर भी तुम अपने इंस्टाग्राम के बायो में सार्केस्टिक बॉय लिख के रखते हो, तो ये है सार्केज्म का मतलब। या तो जाओ जाके गूगल कर लो, क्योंकि तुम प्रोबेबली इस वीडियो को 144p में देख रहे हो ताकि तुम बाद में जाके पबजी और फ्री फायर पे बट से हेडशॉट एंड वन टैप मार सको। तो जाओ जाके गूगल कर लो और प्लीज दिल पे ना लो और वीडियो को देख लो। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि हाउ टू बिकम एन एनी ट्यूबर इन इंडिया इन हिंदी। 2K, 4K, 60fps, 120fps, पता नहीं किस पे मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा, लेकिन मैं हूँ ओटाकुटोपियन किंग, आप देख रहे हैं ओटाकुटोपिया। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर वन, एक मस्त सा सिंपल सा एंड प्रोफेशनल टाइप का एक इंट्रो बनाओ। बस तुम्हारा इंट्रो अगर ज्यादा उछलेगा कूदेगा तो लोग तुमको क्रिंज बोल के इग्नोर मार देंगे, लेकिन हाँ, उस उछल कूद के साथ अगर तुम एनिमे गर्ल्स या फिर एनिमे रिलेटेड कुछ भी डाल देते हो तो तुम एक सर्टिफाइड कल्चर्ड वीप कहलाओगे। स्टेप नंबर टू, एक टीम बनाओ और फिर सभी के साथ मिलके काम करो। ये किसने लिख दिया? मेरा मतलब ये था कि टीम बनाओ, टीम बनाना होगा, लेकिन सभी से काम करवाने के बाद उसको 2-3 और लोगों से मॉडिफाई करवा लेना, फिर उसको एकदम ट्रैश बना लेना, फिर मॉडिफायर को क्रेडिट्स दे देना। या तो तुम ये भी कह सकते हो कि तुम अकेले काम करते हो तो तभी तो लोग बिग फैन और हार्ड वर्कर कमेंट करके जाएंगे ना, तो उसको भी देने की जरूरत नहीं है क्रेडिट्स। स्टेप नंबर थ्री, देखो स्क्रिप्ट बनाते वक्त उसमें भर भर के पहले तो इंग्लिश डालना, ठीक है, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हुए भी जापानीज बोलना और एंड करते हुए भी जापानीज ही बोलना, और अगर एक्स्ट्रा मसाले डालने हैं तो थोड़ा सा बीच बीच में जापानीज बोल देना, मतलब मजा ही आ जाएगा यार। हुई हुई, किसी को क्या ही पता चलेगा। स्टेप नंबर फोर, देखो वीडियो चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो लेकिन कुछ ग्राफिक डिजाइनर्स को अपना दोस्त बना लेना, जिन्होंने प्रोबेबली कोर्स किया है या तो ऐसे ही ट्यूटोरियल देख उन्होंने सीख लिया है, और उनसे हर एक वीडियो का पोस्टर्स, प्रमोशंस एंड थंबनेल्स बनवा लो। और अगर कुछ ज्यादा ही अच्छा दोस्त बन जाता है वो तुम्हारा, तो उससे सीख भी लो थोड़ा सा। देखो एक सीक्रेट की बात बताता हूँ, किसी को मत बताना, ठीक है? तुम क्रिएटिविटी का यूज मत करना क्योंकि उससे ज्यादा हार्ड हो जाएगा ये सब बनाना। तुम किसी का थंबनेल या फिर किसी का डिजाइन चुरा लो, फिर सबको बोलना कि तुम उससे इंस्पायर्ड थे, एंड यू आर डन। स्टेप नंबर फाइव, जो इस वीडियो का सबसे मेन और लास्ट स्टेप है, तो गौर से सुनना, ठीक है? अभी सब हो जाने के बाद भी अगर तुम्हें व्यूज एंड सब्स नहीं आ रहे तो एक काम करो, बड़े क्रिएटर्स का चार्ट चाट के उनको दोस्त बना लो, ठीक है? फिर उनसे प्रमोशन करवा लो, या तो सिंपली जस्ट बी अ गर्ल।